प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस की यात्रा पर हैं और अपने इस यात्रा के दौरान इंडियन कम्युनिटी के एक इवेंट द आइकॉनिक लास्ट साइन मिसाले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और भारतीय कम्युनिटी को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में दोनों राष्ट्रों के बीच मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि दोनों ही देशों की संस्कृति, हेरिटेज, हिस्ट्री, क्राफ्ट या क्रिएटिविटी सभी एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका फ्रांस से बहुत पुराना लगाव रहा है। 40 साल पहले अलायंस फ्रांसे की शुरुआत हुई थी और उसके पहले मेंबर के रूप में नरेंद्र मोदी ने उसकी सदस्यता ली थी। उन्होंने भारतीय जवानों के फ्रांस के क्रांति के दौरान दी गई कुर्बानी को याद करते हुए कहा कि यह भारतीयों के लिए एक गौरव की बात है। 100 साल का ये इमोशनल कनेक्ट, 100वां बलिदान देने की परंपरा, किसी की भलाई के लिए ये कितनी बड़ी प्रेरणा है दोस्तों। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व न हो। उस समय निभाए गए कर्तव्य को, समर्पण को इस धरती पर आज इतने गौरव से, सम्मान से याद किया जा रहा है। थैंक यू फ्रांस। मुझे विश्वास है आज आप भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ कर रहे हैं उस योगदान को मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। आज आप जो कर रहे हैं उस कर्तव्य भाव को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।